हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है NDA 1 2019 के लिए लास्ट 15 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। लास्ट 15 डेज प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए हमारा और कैसे हम इसमें अच्छा करें, एक्सेल कैसे कर सकते हैं, इस पर ये पूरा सेशन है। इंपॉर्टेंट सेशन है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में 12th के पेपर के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया और पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी ये चाहते थे कि कुछ एक ऐसी चीज़ बताई जाए, टिप्स, जिससे कि हम लास्ट टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अभी मैंने जो क्विक रिवीजन क्लास ली थी उसमें आप में से कई बच्चों ने ये लिखा था कि सर ये एनडीए के लिए है कि नहीं। देखिए, वो सेशन आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था पर टॉपिक तो वही था, तो उसका रिवीजन मैंने करवाया था तो वो एनडीए के लिए भी यूजफुल था। पर फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आईआईटी और एनडीए में प्रिपरेशन का और क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच बहुत अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको पता अच्छे से ये बात कि जो आईआईटी वाला कोर्स है वो सेपरेट है, एनडीए वाला सेपरेट है। दोनों की क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, थिंकिंग प्रोसेस, सब कुछ डिफरेंट होती है। तो ऑब्वियसली एनडीए के लिए हमें किस ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनडीए में मास में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे बढ़ेंगे, जीएटी में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्विक रिवीजन क्लास में एक आपका बेसिक रिवीजन हुआ, थ्योरी पार्ट आपका वही था और वो अगर आपने उस लेवल पे कर लिया तो कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं है। अब आती है बात कि लास्ट 15 डेज में हम क्या करें। सबसे पहले आप अब से, मैंने जैसे पिछले कुछ दिन पहले बोला था जीएस पढ़ना बंद कर दें, सॉरी करंट अफेयर्स अब देखना बंद कर दें, अब मैं बोलूँगा कि अब ओवरऑल एनडीए की प्रिपरेशन स्टॉप करने का टाइम आ गया। अब लास्ट 15 डेज रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, ये करना है। अभी मैं आपके साथ, मैंने लिखा भी है कमिंग सून नोटिफिकेशन में, बहुत जल्दी एनडीए प्रीवियस ईयर पेपर की लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। बिल्कुल क्लास में जो पेपर डिस्कस होगा वो आपके साथ भी करूँगा और उसमें ऑब्जेक्ट ये होगा कि कैसे आप पहले 120 में से 60 से 80 को रीच करो। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 120 करो। कई बार ये होता है कि हम उन क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं जिन क्वेश्चंस में हमें बहुत टाइम लग रहा होता है, इस वजह से हम सिंपल क्वेश्चंस को स्कैप कर देते हैं। तो मैं एक बात बिल्कुल श्योरली बोल दूंगा, 100% श्योर बोल रहा हूँ कि अगर ये जो आपको मैं अभी आपके साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा क्लास के साथ, आप लोगों को भी शेयर करूंगा, आपका स्कोर एकदम से इंप्रूव होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और बात बता दूं, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और जो अभी अभी स्पेशली जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं एक बात बोल दूं कि जो अभी अभी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप कोई भी टॉपिक, चाहे कोई भी टॉपिक ले लें, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे बाइनोमियल थ्योरम, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे डिफरेंशिएशन, जो भी कोर्स का, आप उस टॉपिक को वीडियो से पढ़ें और उसके बाद एनडीए का कोई भी पेपर उठा के देख लें, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना नहीं होगा जो कोर्स में ना हो और मैंने आपको ना बताया। और देखिए, मैथ सभी को आती है पर जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होती है, टेक्निक्स होती है, वो सब उसमें डिस्कस की गई है। तो जिन बच्चों ने अभी अभी लिया है उनके पास बहुत कम दिन थे, इसलिए जब भी मैंने बात की थी कुछ बच्चों से बात नहीं पाई। आप सबको एक बात बोलूँगा कि आप जरूरी नहीं है 100% करें, जो भी है वो अच्छे से कर लें। और इंपॉर्टेंट बात, जो पुराने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बिल्कुल ध्यान रखो, आपने एक बात नोटिस कर ली होगी, क्योंकि कोई भी कोर्स जेई वाले कोर्स में अगर देखें तो जेई में बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो कोर्स में कवर की, वही चीज़ एनडीए में भी रखी है मैंने, तो इस बात का मैंने बहुत ध्यान रखा है। इसलिए अगर आपने वो कोर्स एक बार अच्छे से कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, हर क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको। अब मैं बात करता हूं कि आपको किस ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए और अभी जो लाइव सेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास के, उसमें मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जो क्लास यहां लूंगा उसमें मैं केवल मैथ्स के नहीं करने वाला हूं, मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, पेपर के सॉल्यूशन, जीएस के भी किए जाएंगे, फिजिक्स के ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूं, तो ये एक काम का आपका पोर्शन होगा। अब इसमें अभी आपको लास्ट 15 डेज क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर वन, आप 2018 वन एंड टू पेपर, 2017 वन एंड टू पेपर, 2016 वन एंड टू पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करके रखिए। लाइव सेशन मैं आपके साथ अभी इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो एनडीए वाले होते हैं, इवन ऑनलाइन कोर्स में भी जो जुड़े हुए हैं, इसमें मोस्टली स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एनडीए के साथ आईआईटी का भी एग्जाम दे रहे हैं और अभी आईआईटी का पेपर आप सबको आप दे ही रहे हैं, तो 8, 9, 10, 11, 12 को, इसलिए मैंने अभी रोका हुआ। वो सेशन मैं जैसे ही आईआईटी का एग्जाम होता है आपके साथ शेयर करूंगा। पर उसके पहले अगर आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं वो अपना फोकस जेई पर रखें, याद रखिएगा कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझिए। पर जो जेई का नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो केवल एनडीए दे रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। नंबर वन, ये जो 6 पेपर मैंने बोले इनको सॉल्व करना है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ और आपने कैसे किया और मैं कैसे करवाऊँगा वो डिफरेंस क्रिएट कर बताना है मुझे। अगर आपने इस डिफरेंस को समझ लिया
उस ऑब्जर्वेशन को समझ लिया तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसमें केवल मैथ्स नहीं करना है, मैथ्स के साथ साथ आपको जीएटी के पेपर भी सॉल्व करना है, यानी नेक्स्ट 50 डेज में 6+6 12 पेपर आपको सॉल्व करना है। यानी अगर आप चाहें तो एक दिन में 2 पेपर करें या एक दिन में 1 करें, बट बहुत ही डिटेल में करें और मिनिमम टाइम में करना है। अब मैं आपके साथ इन्हीं पेपर्स में से पेपर शेयर करूंगा, मैं आपको इस पहले ही नोटिफिकेशन दे दूंगा, पर मैंने ये बता दिया। अब आप इनको सॉल्व करके रखिए, फिर जब मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा बिल्कुल नई टेक्निक के साथ कि आप कैसे 60 रीच करो, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और मैं आपको क्या बता रहा हूं। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं अपने तरीके से नहीं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अगर आप इन इन क्वेश्चन को सिलेक्ट करते तो आप इजीली 50, 60, 70 तक रीच कर पाते। ध्यान रखिएगा वो लॉन्ग सेशन रहेंगे, 2, 2.5 आवर, 3 आवर तक का भी सेशन हो सकता है, आपको बहुत अच्छे से उस पूरे सेशन को देखना होगा। कुछ चीज़ें और बोल दूँ, जब मैंने अभी IIT की जो क्विक रिविजन क्लास ली थी उसमें एक चीज़ मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप अगर वो सेशन देख रहे हैं तो आप कोई मैसेज ना करते हुए बल्कि उन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये सेशन मैं बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगर ये सेशन बना रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है कि आपका जहाँ पे आप लैग कर रहे हो कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम में ये जो सेशन है ये आपके रिजल्ट में एकदम से चेंज लाने वाले हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो जब मैं इन पेपर के सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे सबसे पहले इन्हीं के डिस्कस करूंगा 18 के, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, फिर 17 के और फिर 16 के, तो आपके सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि जब मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा तो मैं आपको 120 क्वेश्चन तक आपको पहुंचाऊंगा, कि 120 तक पहले हमें हर क्वेश्चन को देखना होता क्या है कि हम सिंपल क्वेश्चंस के बजे, सिंपल क्वेश्चंस कई बार हमसे स्केप हो जाते हैं और हम टफ करते हैं, हम कई बार पूरे क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऑर्डर किस ढंग से होना चाहिए, कैसे कौन से क्वेश्चंस को आप क्विक सिलेक्ट करें जिससे कि आप 60 प्लस को रीच कर पाएं, 70 प्लस 80 प्लस को, वो 10, 20, 30 क्वेश्चन, यानी हर 10 में से आप मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 10 में से 3 क्वेश्चन भी छोड़ते हैं तो 120 में से केवल 36 क्वेश्चन छूटते हैं, राइट? इसके बाद भी आपके पास 80 प्लस का स्कोप हो गया। आपको भी पता है कि अगर आप 50 प्लस करते हैं तो 100% सेफ जोन में, इवन 40 प्लस पे भी होते हैं, दूसरा आपकी निगेटिव ना हो। तो और ऑनलाइन वाले आप सब बच्चों को जो टेस्ट पेपर्स मिले हैं उन पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, बहुत काम के, बहुत ही काम के। पर अगर अभी नहीं करे हो तो जितने कर पाए, पर ये पेपर मैं आपको बोलूँगा करिए, ये लास्ट टाइम में प्रिपरेशन अगर आपने राइट टेक्निक से की तो आपके स्कोर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अभी अभी, आप मैं सबको बोलना चाहूँगा जो 12th का एग्जाम दिया उसके बाद उन्होंने कोर्स लिया या नहीं भी लिया हो, अगर आपने अभी अभी रिसेंटली 12th का एग्जाम दिया है तो भी आपको जितना 11th 12th का सिलेबस आता है उसके बेस पर ही इन पेपर को सॉल्व करिए। और फिर जो मैं आपके साथ क्लास शेयर करूंगा उनको देखिए। इन क्लास में एक तो मैथ्स की क्लास होगी, एक इंग्लिश की क्लास होगी, GS की क्लास होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट बड़े सेक्शन है, मैथ्स मीन्स 300 मार्क्स, GS मीन्स 200 मार्क्स, इंग्लिश मीन्स 200 मार्क्स, यानी 700 मार्क्स। फिजिक्स के मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ जो 100 मार्क्स का होता है। अब बचा बायो और केमिस्ट्री जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करना है जो 100। टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हम मैथ्स में 150 पहले, मैं तो आपको बता दूं कि लास्ट टाइम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ऑनलाइन वाले जिन्होंने 200, 225, 250 तक स्कोर किया, इस बार भी आप करोगे, बट पहले हम वो करें जो प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली हम अपने आप पहुंचा दें, उसके बाद फिर हम आगे के स्कोर्स कर पाएंगे। क्योंकि जो मैं आपके साथ क्लास शेयर करूंगा, जो सेशंस मिलेंगे आपको बहुत यूजफुल होंगे, तो आपको अगले दिन, मतलब मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा 12th के बाद से, 13 से स्टार्ट करूंगा, इस 13 के पहले आपको ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। क्योंकि 50% 60% वो बच्चे हैं जो NDA के साथ IIT का एग्जाम दे रहे हैं, 20-30 वो हैं जो केवल NDA का एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो IIT का एग्जाम दे रहा है वो उससे डिस्टर्ब हो, इसलिए इस सेशन को, और इस बीच में आपका भी वर्क करवाना है, आपको भी वर्क करना है, लास्ट टाइम में ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो आप एक तो ये काम करो, अब दूसरी चीज, आप हर टॉपिक के रिवीजन को कैसे करें। अब आप पूछते हैं कि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तो मैं आपको लास्ट टाइम में यही बोलना चाहूंगा, आप में से कुछ बच्चों ने पूछा था कि तल 12th का एग्जाम दिया, अभी 11th के टॉपिक पे अभी कमांड नहीं आ रहा, तो कौन कौन से 11th के टॉपिक करें, तो मैं बोलूंगा 11th के टॉपिक में आप कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जरूर करें, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स भी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ट्वेल्थ का पूरा आपने पढ़ा है तो वो करिए, पर अगर आप मेजरली देखें तो मैं आप सभी को एक मैसेज दूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 30 से 40 क्वेश्चन तो यही एक डोमेन है। फिर हर एक टॉपिक के आते हैं और किसी भी टॉपिक के आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के मैं आपको एक आइडिया दूं कि 12 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2 और 3 हो सकता लेंथी हो, पर 9 से 10 ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा हर टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्वेश्चन आए मान लीजिए तो एक आध टफ हो सकता है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का बहुत नॉर्मली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन टफ हो सकता है, तो आप उनको छोड़ दीजिए। तो आपका सिलेक्शन आप पहले अपने, जब भी आप इन पेपर को दो, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ लास्ट टाइम है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत दिखेगा। इन पेपर्स को भी आप सॉल्व उसी तरीके से करिए, आप ये मत देखिए कि ये पेपर में मुझे 1 से 120 जा रहा है, आप इन पेपर में वो टॉपिक लीजिए जो आपके फेवरेट हैं या जिन पर आपका कमांड है, क्योंकि अभी आप नया पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, बल्कि जो आता है उसको रिवाइज करके जरूर कुछ कर सकते हैं। तो जो क्विक रिवीजन मैंने क्लास ली थी अभी कुछ टॉपिक्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, बाइनोमियल की, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, या प्रोबेबिलिटी की, अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो उनको देख लीजिए, वो क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली, क्योंकि उसका लेवल एनडीए से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आपको एक रिवीजन प्रोसेस समझ में आएगा कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हमें एक्चुअल में रिवीजन किस ढंग से करना चाहिए। तो अब मैं ये सेशन क्लास में क्योंकि बच्चों के साथ लूँगा तो आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उन बच्चों को वही टेक्निक बतानी जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जो बच्चा एकेडमी में है या जो बच्चे बाहर है, मेरी कोशिश यही रहती है आप चाहे दूर हों या पास हों, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दिया जाए, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। आप जितना अच्छा इनपुट देंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एनडीए एग्जाम भी ऐसा ही है कि इसमें अपने आप को नहीं छोड़ना है, 2 पेपर होने वाले हैं, आपको अभी से अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करना है। हो सके तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन पेपर्स को आप ऐसे सॉल्व करिए, अगर आपने IIT का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि 8 को आप जैसे 2018 टू का सुबह 10 बजे ही बैठिए, 10 to 12:15 15 मिनट कम करिएगा पेपर सॉल्व करने, और उसी दिन 2:30 से फिर आप GAT के लिए बैठिए, क्योंकि ये मौसम बहुत, समर वैकेशन में वैसे ही आपको अपने आप को मेंटेन टेम्परेचर कंट्रोल रखना मुश्किल होता है, नींद भी आती है। एक बात, अगर आपके घर में AC है तो भी मैं बोलूँगा AC में पेपर मत दीजिएगा, क्योंकि आप जिस जगह पे जाने वाले हैं सेंटर पे, वहाँ पर AC आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही नॉर्मली एक पंखा मिलेगा, वो भी कैसी स्पीड में होगा पता नहीं। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये पेपर एक ही दिन में दें, और कैसे करें वो बताता हूँ, बिल्कुल मेरी बात को बहुत ध्यान से रखिए कि जैसे 8 जनवरी को आपने सुबह 10 o'clock पे 2018 टू का मैथ्स का पेपर दिया, और फिर 2 o'clock से आपने GAT का पेपर दिया, ये 12-15 पे ख़त्म करने के बाद फिर अगले पेपर के पहले आप फाइनल एग्ज़ाम में क्या करने वाले हैं वो रिहर्सल यहाँ करना है। ये अगर आपने 3-4 दिन, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि आप जब 21 अप्रैल को पेपर दे के निकलेंगे तो आप आज का सेशन सबसे ज़्यादा याद करेंगे, और इस सेशन के बाद जो मेरी लाइव क्लासेस होंगी वो आपके स्कोर में 100% इम्प्रूव करेंगी, बिल्कुल 100% करेंगी। तो आप इसके बाद क्या करिए, लंच लीजिए हल्का, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला अभी बोल रहा हूँ, आँखें बंद करिए 15 मिनट के लिए। आप सोचिए आप किसी स्कूल में हैं तो वहाँ बैठे बैठे ही आपको सोना है, हो सकता कोई पेड़ मिल जाए, हो सकता नहीं मिले, वैसे ही 15-20 मिनट आप घर पर रेस्ट करिए, उसके बाद अच्छे से उठिए, आंखों पे पानी डालिए अच्छे से, एक चाय पीजिए, और फिर अगले पेपर के लिए मेंटली, और इस पेपर के बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि इस पेपर का सोचोगे तो अगला बिगड़ेगा, फिर GAT का पेपर दीजिए। अब ये आप 4:30 बजे फ्री शाम को, देन उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आप समझ लीजिए कि घर आ गया, फिर शाम को 6 बजे के बाद इन पेपर को एनालिसिस करना है कि आपने कितने राइट और कितने रॉन्ग करे हैं। ऐसा मत करिए कि यहाँ ख़त्म करके राइट रॉन्ग चेक कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ पर भी मैं यही इसी ढंग से टेस्ट लेने वाला हूँ, लास्ट वीक में टेस्ट का मॉड्यूल ही यही होगा कि इसी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इस ढंग से ढालोगे नहीं, जब आप सोचिए क्यों एक ही दिन में 2 पेपर ले रहे हैं, मैथ्स के बाद आपका, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करनी होती है तो परफॉर्मेंस बहुत डाउन होता है, तो ऐसे में आपको ये 6 पेपर आपको हैबिचुअल कर देंगे। फिर इस पेपर का पूरा अच्छे से एनालिसिस करिए, बहुत ही डिटेल, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया है,
इस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई भी, अभी टेक्निक्स में बताऊंगा। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अक्सर ये क्वेश्चन आता है ओमेगा क्या होता है, ये मेंटली रिव्यू पूरे एक एक क्वेश्चन के किसके साथ क्या क्या पूछ सकते हैं। राइट, आप सबसे पहले क्या करिए, इन पेपर को एनालिसिस करिए 8 की शाम को और 9 को, किसका, मैथ्स का भी और जीएटी का भी, पूरा 9th का दिन पेपर को कंप्लीट एनालिसिस में देना है कंप्लीट। फिर 10th को यही मॉड्यूल फॉलो करिए। राइट, फिर 10th को 2018 का 1 या 2 जो भी आपने दिया उसके अलावा, फिर 10th को बिल्कुल सेम यही वाले टाइम के साथ चलिए, फिर 11th में फिर यही कंसेप्ट, 11th को पेपर एनालिसिस दीजिए, फिर 12th को यही करिए, फिर अब जो IIT दे रहे हैं वो घबराए ना, वो लोग IIT के पेपर जिस दिन भी 8 को 9 को 10 को उस दिन के बाद से ये चालू कर दें, पर पेपर के नेक्स्ट डे पेपर को एनालिसिस में दें, पूरे एक एक चीज को निचोड़ें। यार ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आया, इसमें और क्या 5 क्वेश्चन बनेंगे, कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन आया इससे 4 क्वेश्चन और क्या बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया इससे कैसे 4 क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं श्योर हूं कि आप जब जब एनालिसिस देखोगे 30% क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अब ऑप्शन से करेंगे तो क्या करते हैं, हमें राइट नहीं ढूंढना है, राइट नहीं ढूंढना है, बल्कि हमें ढूंढना है कि जो रॉन्ग 3 ऑप्शन है वो कौन से, तो बचा हुआ अपने आप राइट हो जाएगा। ये टेक्निक्स को डेवलप करना है। 13 से मैं आपके साथ फिर ये क्लासेस शेयर करना चालू करूंगा, जिसमें मैथ्स की सबसे ज्यादा क्लासेस होंगी, इन पेपर्स के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, उसके बाद इंग्लिश GS इनकी भी क्लासेस होंगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपने जो पेपर ये दिए थे उन्हीं पेपर को अगर आप इस ढंग से थॉट लाते। और याद रखना, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने लिए नहीं कि मुझे क्या आता, मैं हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के पढ़ाता हूं, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आती है, तो वो एक चीज चालू हो जाएगी। और ये काम आपको करना है फिर 14 फिर 16 फिर 18। राइट, 18 के बाद कुछ भी नहीं करना है। अब आप अगर देखें तो 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 कंप्लीट सेशन हमारे हो गए, 6 पेपर हैं, 6 सेशन मैंने बता दिए, 18 को खत्म। अब जो IIT दे रहे हैं उनका जिस दिन IIT है, उनका जिस दिन IIT है उस दिन को छोड़ के बाकी वो इसी प्रोसेस को फॉलो करें IIT के तुरंत बाद। हो सकता है उनका IIT अगर 10 को है 11 को तो उनको थोड़ा सा एक आध दिन का गैप कम करना पड़ेगा। 18 के बाद फिर 19 को जो इतने दिनों में पढ़ा है उसका एक ब्लैंक पेपर पे रिवीजन करना है, और 20 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जैसे मैं बच्चों को बोल दिया कि 20 को हम लोग फुटबॉल गेम खेलने वाले हैं, बिल्कुल वैसे आप भी करिए, कुछ गेम खेलिए, घूमिए फिरिए, आराम करिए 21 को, क्योंकि पेपर देना है तो ब्रेन बहुत ही फ्रेश होना चाहिए, जब भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मेंटली फिजिकली, जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे मैथ्स में परफॉर्मेंस नहीं आएगी। 2 पेपर देना है, लास्ट डे में प्रिपरेशन करने से रिकॉल करने में टाइम लगता है, ये एक प्रोसेस फॉलो करिए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से लीजिए। आपने जैसे भी स्टडी जहां पर भी किए, कोई बात नहीं है आपने भी नहीं लिया कोर्स लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी आपने स्टडी किए उसको सबको छोड़ के आप जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं उन चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव माइंड से दीजिए, देखिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। अब हम इसके बाद लाइव सेशंस क्लास के चालू करूंगा। मैं अभी तक क्यों रुका था वो भी रीजन बता दिया, क्विक रिवीजन लिया इसलिए था कि आप लोग उससे रिवीजन करने की टेक्निक सीखें, वो टेक्निक आपने सीखी, अब पेपर सॉल्व करने की टेक्निक्स भी आपको सीखनी है। फिर बोलूंगा कि जो सेशन रहेंगे वो लॉन्ग सेशन रहेंगे 2, 2, 3 एंड आर, क्योंकि उसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स का रिवीजन भी करवाऊंगा। आप मुझसे एक टॉपिक के रिवीजन की बात करते हैं कि सर ये करवा दीजिए रिवीजन में, स्टैटिस्टिक्स या कोनिक्स या ये, मैं आपको पूरे टॉपिक्स का रिवीजन करवाने वाला हूं यहां पर पेपर के थ्रू। तो इसलिए अगर पेपर के क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम देखेंगे तो हार्डली 60-70 क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा, पर क्योंकि साथ में रिवीजन भी होगा इसलिए ओवरऑल 2-3 आवर का सेशन हो सकता है। बुक और पेपर कॉपी पेन लेके बैठिए, पेपर को सॉल्व करिए, कहीं और ध्यान मत दीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ उन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करिए, पेपर अपने सामने रखना है। पेपर में आपको पहले से नोटिफिकेशन के थ्रू बताऊंगा और जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उस ऑर्डर में आप देखते चलिएगा, और फिर आप देखिए कि कैसे रिजल्ट नहीं आता, 100% आएगा। अगर हम अपना 100% देंगे तो रिजल्ट भी 100% आएगा। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करो, मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया कि नेक्स्ट 15 डेज आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।